आजकल गुरदासपुर में अब ये जमाना आ गया है कि हरक सिंह को एक किन्नर से डरना पड़ेगा। प्लीज और तू कह दी हाँ मैं किता ओ क्यों हरमन की बाबूजी अभी सौम्या को हमारे काबू में रखना जरूरी है और जो किया ही नहीं उसका इल्जाम अपने सर पर क्यों ले ले एवी? लेकिन हुन लख रुपए की गल ये सवाल पैदा होता है कि जे असी नहीं किया तो ये काम किया कि नहीं एक किन्नर का नवा दुश्मन कौन पैदा हो गया है पता चल जाएगा आप है ना जाकर सो जाए नींद पूरी नहीं होती ना आपका सर दुखता है मैं हूं ना हाँ ठीक 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 है ठीक है मेरी प्रीत ना जाने रीत ठीक 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 है प्रीत ना जाने रीत मैं सब पता कर लूंगी मैं मलिका दीदी को सारा सच बता देती हूँ शायद वो मेरी मदद कर पाए डरो मत तुमने अपने अस्तित्व को अपनाने की हिम्मत जुटाई है ये मुश्किलें तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है बेटा अपनी हिम्मत को टूटने मत दो और अपने डर का सामना करना सीखो बाकी हम सब साथ हैं ना तेरे मुझे आपसे ना कुछ कहना है हाँ बोलो तराना बोलो क्या बात है वो आपसे मुझे हिम्मत मिलती है मेरे साथ हमेशा साथ रहने के लिए थैंक यू माँ को थैंक यू करोगी हाँ चल हो गया ना अब जा काम पे जा चमेली तराना के आने जाने पे आज से हम में से कोई ना कोई हमेशा नजर रखेगा लेकिन ये बात तराना को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत जुटाई है और मैं नहीं चाहती कि उसकी हिम्मत टूटे जी दीदी सुन मैं मंदिर जा रही हूँ कभी साथ में चल नहीं आप लोग जाओ मैं मामा के साथ ही रहूंगा वैसे भी भगवान जी तो हर जगह हैं मुझे समझ में नहीं आता तो इतने बड़े बड़े डायलॉग सीख कहाँ से लेता है छोटा है छोटे की तरह रहे समझा मैं मंदिर जा रही हूँ तेरे पापा यहीं पर रहेंगे तो ठीक है गल सुन मेरी बच्चे होते मन के सच्चे है ना पिदी लेकिन तेरे गबरू नु की होया ओ क्यों नहीं आ रहे नाल मंदिर एक्चुअली पापा उनके पैर में लग गई है उनसे चलते भी नहीं बन रहा है इसलिए वो नहीं जा पाएंगे आए हाय ठीक से जांच पड़ताल करवाएं क्या सही में चोट आई है या किसी से पिट के आया है हरमन सादा बोलने की जरूरत नहीं अपने काम से काम रख अब मैं बोल रहा हूँ तो तू बोल रही है कि बोलता हूँ वैसे मैं सच बोल रहा हूँ ज्यादा तुझे अपने आप लग रहा है और सच हमेशा कड़वा होता है समझी बस बच्चे नहीं हो तुम दोनों जैसे लड़ मर रहे हो
जिसको आना है आए, तुझे चलना है तो चल रावी। चलिए जी आ जाओ जी आ जाओ। पंडित ने चले जाना। गई थी ना इसलिए ऐसे चल रहे हैं। मामी मैं अपने दोस्त हैप्पी से मिलने जा रहा हूँ और आप अपने हैप्पी से मिलो। अरे मतलब कि हरमन सिंह से, अपने मालिक से। बाय बाय मैं चलता हूँ। इस परिवार का बेटा दुनिया की सारी लड़कियों को छोड़कर एक किन्नर के पीछे पागल है। सॉरी अरमन जी, मैं आपसे कितनी बुरी तरह से बात करती हूँ और आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्यों करते हैं आप मुझसे इतना प्यार? मैं आपके प्यार के लायक ही नहीं हूँ, किन्नर हूँ मैं। इस प्यार के बदले आप अगर मुझसे मेरी जान भी मांगेंगे ना तो मैं आपको दे दूंगी, पर प्लीज मुझे मत मांगिए। प्लीज बहुत प्यार करती हूँ हरमन जी। क्या चाहिए तुझे? क्यों कर रही है तू ये सब? हाँ मैंने पता था तो कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए आई हूं मैं। अगर हरमन ने तुझे ऐसे देख लिया होता ना तो मेरे सारे किए करा पर पानी फिर गया होता। यही चाहती है ना? समझाइए इसे, समझाइए, वरना आज तो मैंने अपनी जान ही दे देनी है। तेरे बात पल्ले नहीं पड़ती। मैं कह रहे हैं तेरे समझ नहीं आता? अपने जज्बात पे काबू पा। मैं ही कह रहे हैं जज्बात पे काबू पा, उठा अपना पल्लू और पोंछ अपने घड़ियाली आंसू, तब तुझको हमसे और हमको तुझसे निजात मिलेगी। सुन रही है तू? अरे सर आप यहाँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुरदास से काम कर रहा, सारी फाइलें लिया और वो जो प्लान सो मैंने बताया था उसका काम कहाँ तक पहुँचा है उसकी रिपोर्ट भी मुझे दे दी। जी सर अभी लाया।
10 पुत्र। मैंने बहुत सोचा पापा जी, आपकी बात पर पूरी पूरी रात मैंने सोचा। पापा जी आपकी बात ना बिल्कुल सही थी कि मुझे मामा जी और मामी जी से ना अलग हो जाना चाहिए। कुछ सही कहा तुमने। बस बस मतलब आप तो जानते हैं ना पापा जी, मेरे पापा जी तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे। अगर आज वो होते तो शायद ये प्रॉब्लम ना होती। लेकिन आप भी तो मेरे पापा के जैसे हो ना, है ना? हाँ पुत्र बिल्कुल। हाँ तो पापा जी आप तो जानते हैं ना, अपना बिजनेस शुरू करने से पहले तो कुछ प्लानिंग लगती है। हाँ बिल्कुल। और कुछ बैकअप भी होना चाहिए। हाँ तो पापा जी मैं इस मामले में ना मामा जी और मामी जी से ना कोई मदद नहीं लेने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तो करेगा क्या, कैसे? सिंपल है पापा जी, आप मदद कर दो। हेलो, मैं चाय बना के ले आती हूँ, नहीं आई? हाँ तो पापा जी आपकी ना एक और बात सही थी कि मुझे और सुरभि को ना एक इंडिपेंडेंट जिंदगी शुरू कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही आइडिया दिया आपने। प्लान प्लान प्लान, यार क्या प्लान है, क्या डिजाइन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काम करता हूँ, गुरदास को पूछ लेता हूँ। जिम्मेदार और आप कभी भी किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते, और आप ये बात अच्छे से जानते हैं। किसी की मदद नहीं लूंगा, सौम्या के बताए हुए प्लान पर काम करूंगा, उन सारे खिलौनों को डिलीवर करवाऊंगा। वो मेरे पास लौट कर आएगी और मैं उसे बताऊंगा कि उसके आइडिया पर मैंने दिन रात मेहनत करके खिलौने सप्लाई किए। सर ये डिटेल से कि क्या क्या खिलौने बन रहे हैं और ये ड्राइंग्स। सर एक बात कहूं? बोल। मैं उस दिन आपके घर आया था ना और मैडम से पूछा कि कैसे खिलौने बनने चाहिए, तो मैडम ने बहुत अच्छी बात कही थी। मैडम ने कहा था कि आप सोचिए कि आपके बच्चे कैसे खिलौनों से खेलना पसंद करेंगे। हाँ बेटा, मैं तो हमेशा कहता हूँ मैडम तो बहुत अच्छी पर सिर्फ दुनिया के लिए, मेरे लिए अच्छी नहीं। क्या हुआ सर? हाँ कुछ नहीं, क्या है ना गुरदास, अब मेहनत करनी है, खूब काम करना है। अब मैं रोज ऑफिस आऊंगा। जी सर बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताइएगा। ठीक है। अब मैं घर तभी लौटूंगा जब सौम्या चली जाएगी, क्योंकि अगर घर गया तो उससे बात किए बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। और एक वो है, कुछ भी बोल दो तो तुरंत चंडी माँ बन जाती है, फिर उसका दिन खराब होता है और मेरा दिमाग। पर प्रीतो तू आज यहाँ ऑफिस में? अच्छा लग रहा है, ऑफिस आ गया तू, काम कर रहे अच्छे से, अपनी जिम्मेदारियां भी समझने लगा है। तू काम कर, मैं बस ऐवे ही आ गई देखने। Yes.
तेरी नानी और सुरभि बाजार गए ना, और बाजार में तो कुछ भी हो सकता है। तेरी नानी मरी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मर सकती है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा पूरा खानदान मर जाए। मनिंदर रोज सब्जी मंडी जाता है, सुरभि को तो मैं किसी भी वक्त खत्म कर सकती हूँ। वरुण मेरा कुत्ता है आज भी, वो भी वफादार। नहीं, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचे नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी। हेलो छोटी, सुन मेरी बात ना, ध्यान से सुनना। ठीक है दी, मैं आती हूँ आपसे मिलने के लिए। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ आप भी आइए। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। सुरभि ओ किथे जा रही है? कुछ काम से जा रही हूँ, आ जाऊंगी जल्द। बात तन्नू की होया, कहाँ चली गई हूँ? आ आ आ आ थोड़ा सा बर्दाश्त कर, अभी थोड़ा धीरे। हाँ हाँ से घुमाओ, धीरे से नीचे रखो। आ अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर इतना दर्द तो तभी होता है जब हड्डी टूट जाती है। अब ना करे आपकी हड्डी टूट गई हो। सतनाम सतनाम जपते रहो। आ बाय। आ धीरे धीरे। आ बल्लू पलवान, तू तो अभी है जवान, इधर देख, अभी भी 15 कोड़ों की ताकत रखता है ये हरक सिंह। और तूने तो अभी से गधों की तरह रेंकना शुरू कर दिया है, एक ही अपनी वोटी तक कुछ छड़ के बैठे हुए हैं। मर्दबान मैं कह रहे हैं, रवि पुत्र एक काम कर, गुनगुना पानी अंदर थोड़ी जी अजवाइन पा के लिया, मैं इन सेक देना है। जा जा पुत्र जा। जी मैं भी लाई। आ आ ए मेरा ख्याल है ज्यादा ते लग नहीं रहा। आ ए टूट कैसे लग गई? बस पापा जी लग गई, क्या बताऊं बहुत बुरी लगी। अच्छा आ किस मिट्टी के बने हैं मेरा जवाई राजा? ए आ ए आ पापा जी ये क्या कर रहे हैं आप? कहना क्या चाहते हैं आप? आ एक बारी ओ सौम्या ते बुरी नजर पान दे, तैनू खर्चा पानी हरमन दे चुका है, तेरी चंगी तरह पिटाई कर चुका है, उदे बाद तू दी जान जानू चला गया, तेरी मच किस तरह हुई? जी ये क्या कह रहे हैं आप? आपसे किसने कहा कि मैंने सौम्या की जान पे हाथ डाला? तेरे पे तेरे लिखा है, ये जुर्म तू किता है, ये सबूत है तेरे पैरां ते है, और कोई जवाब तलब करना तैनू? ओए रब दिया बंदिया, जे तुझे उसे मारना ही था ते मार के आंदा, दिखांदा अपनी मर्दानगी। एक तो छड़ के आया, ऊपर सबूत भी नाल लेके आ गया। क्या पिद्दी का शोरबा, तेरा काम नहीं है, तू चाप अपनी बॉटी से कुछ छड़ के बैठ और मुफ्त की रोटियां तोड़, समझ गए घर जमाई जी? रवि पुत्र थोड़ा जा गर्म पानी से सेक दे दे, बाकी ठीक हो जाएगा।
हमें खबर मिली है कि मल्लिका और तराना कुछ और तीन चार किन्नरों के साथ मिलके ना एक घटिया से घर में रह रहे हैं। अब आप ये बताइए इस खबर का आप करेंगी क्या? मल्लिका आई थी मेरे पास, मुझे धमकी दी कि सौम्या को कुछ हो गया तो मुझे छोड़ेगी। मैं नहीं जानती सौम्या को कौन मारना चाहता, लेकिन अगर सौम्या मर गई तो उसमें कोई बुराई तो नहीं। हरमन ने सौम्या को खुद छोड़ा इससे पहले कि वो दोबारा सौम्या के पीछे लग जाए। गंगा में हाथ और पैसों की कमी तो मैंने कभी तुम लोगों को होने ही नहीं दी। तो ठीक है फिर, अगर ऐसी बात है तो हम जल्द ही कुछ करते हैं।